नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज़ वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। आपको बता दें कि सिटी कोटवाली क्षेत्र के नगर पालिका विजय स्थित कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचकर SDM सत्य प्रकाश सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर व पूर्ण रूप से सही तरीके से जांच करने की मांग की है। वहीं पशुपालन विभाग में हुए घोटाले की जांच के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए SDM कार्यालय पर पहुंच एक ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिषेक गोयल ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष प्रियंका गांधी ने शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले को लेकर सही तरीके से मांग उठाते हुए कहा है कि घोटाले बाजों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पशुपालन विभाग में हुए घोटाले की उच्च न्यायालय स्तरीय जांच की मांग की है। हापुड़ से हमारे संवाददाता अटल त्यागी की रिपोर्ट। अभिषेक गोयल मेरा नाम है। हापुड़ शहर कांग्रेस कमेटी से अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आज SDM साहब को ज्ञापन दिया, क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी पीछे हमारी नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के ऊपर बहुत जिम्मेदारी के साथ एक आवाज़ उठाई थी, जिसमें सत्ताधारी सरकार के द्वारा शिक्षकों की जो भर्ती पीछे हुई थी उसमें एक बड़ा घोटाला होता दिखाई दे रहा है। आज उसी के उसमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हर जिले में शहर में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के ऊपर कांग्रेस पार्टी मैदान में है और अब मांग रखती है बहुत मजबूती के साथ। डिमांड SDM ऑफिस आए हैं, ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहतरम जनाब अजय कुमार लल्लू जी की तरफ से उनके आदेश अनुसार के जिले में SDM और DM के यहाँ पर मेमोरेंडम देना है, जो कि राज्यपाल के लिए संबोधित होगा और उसमें कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, जैसे कि 69,000 शिक्षा भर्ती घोटाला था, DHLF घोटाला है और इस तरह के कई घोटाले जो अभी बिल्कुल सामने आए हैं। और सबसे अफसोसनाक बात, कल ही कानपुर में एक संरक्षण जो होम होता है वहाँ तकरीबन 54 लड़कियों जो हैं 54 लड़कियाँ रहती थीं और वो तकरीबन ज़्यादातर आज यहाँ आप SDM कार्यालय पर इकट्ठा हुए हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि जो अध्यापकों की भर्ती में घोटाला कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, हर मुद्दे पर जो भी ये शासन पार्टी है, जो भी गलत कार्य कर रही है किसी भी क्षेत्र में, हर जगह आगे बढ़कर कार्य कर रही है। और आज विपक्ष में अगर कोई रूल कोई कर रहा है सरकार को चेकअप करने के लिए, तो हमें अपने गर्व है उस पार्टी पर, अपने नेताओं पर कि वो आगे बढ़कर सबसे आगे फ्रंट पर हैं और सरकार को हर बात पर चेता रहे हैं। और मैं व्यापार प्रकोष्ठ से संबंधित हूँ, व्यापार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष जाएगा। इस बारे में ही मैं कहना है कि व्यापारी जो है, जो गवर्नमेंट है, ये व्यापारी के नाम पर सिर्फ बड़ों जो व्यापारी हैं उनके साथ है। छोटा व्यापारी, चाहे वो ठेले वाला है, चाहे वो डेली बेचने वाला है सामान, बिल्कुल उनकी स्थिति खराब हो गई है। जो ये कंपनीज हैं अमेजन वगैरह, उनके माध्यम से माल इतना बिक रहा है कि वो भुखमरी के कागार पर आ चुके हैं। और गवर्नमेंट की ऊपर की स्तर पर पॉलिसी ये है कि इसे बातचीत। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।